मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं। कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लीजिए। आप सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो आप सभी जिन बच्चों के पास बुक है वो अपनी मैथमेटिक्स की बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 69, एंड जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो अपनी नोटबुक ओपन करेंगे। ठीक है, आप सभी बच्चे अपनी बुक और नोटबुक ओपन कर लिए होंगे, तो मैं एक प्रीवियस क्लास का जो होमवर्क है वो समझा दूंगी। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आप सभी का करेक्ट करवा दूं। कल मैंने 4.7 का क्वेश्चन नंबर 1, उसमें मतलब मिस्टेक हो गया था, उसे सुधार देती हूँ, आप सभी बच्चे उसे सुधार लीजिएगा। ठीक है ना, एक्सरसाइज 4.7 का था क्वेश्चन नंबर 1, है ना, तो कल वो मिस्टेक हो गया था मुझसे, उसके लिए सॉरी। वंस, टेंस, हंड्रेड, ठीक है, इस तरह से बॉक्सेस बने हुए थे, कॉलम बनाना है आप सभी को। आप सभी बच्चे आंसर बस मैच कर लीजिएगा, उसका आंसर आना चाहिए था 390, है ना, कल मुझसे मिस्टेक हो गया, मैंने 400 उसका आंसर निकाल लिया। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको प्लस करना था। रॉनी कलेक्टेड 183 मार्बल्स, रॉनी ने मार्बल्स कलेक्ट किए 183। बेन कलेक्टेड 110 मार्बल्स, बेन ने 110 मार्बल्स कलेक्ट किए हैं। एंड साइमा कलेक्टेड 97 मार्बल्स। तो अब क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी मार्बल्स आर देयर इन ऑल, तो टोटल कितने मार्बल्स हो गए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है, और ये साइन नहीं था, आपको क्वेश्चन जो था उसके उस क्लू से आपको समझना था कि इसमें क्या करना है, एडिशन मतलब जोड़ना है या आपको घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड करना है क्योंकि यहाँ पे ऑल के बारे में पूछ रहा है कि टोटल कितने हो गए। तो 3+7, पहले सबसे पहले 3+0 इक्वल टू 3 ही होगा, हम किसी भी नंबर में 0 ऐड करते हैं तो नंबर चेंज नहीं होता है ना, तो 3+7 इक्वल टू 10, 10 के 10 का क्या लिखाएगा, 0 लिखाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। अब 8+1 इक्वल टू 9, 9+9 इक्वल टू 18, और 18 में हम कैरी वाला 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 19 हो जाएगा, तो 19 का 9 यहाँ पे लिखेगा और 1 फिर से कैरी हो जाएगा। 1+2 इक्वल टू 2, और 2 में 3 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 3 हो जाएगा, तो आपका आंसर 390 होगा। कल मुझसे मिस्टेक हो गया था जोड़ने में, तो आप सभी बच्चे क्या करेंगे, जिन बच्चों का मिस्टेक होगा वो इसे सुधार लेंगे। ठीक है ना, और जिन बच्चों का आंसर सही है बहुत अच्छी बात। अब हम चलते हैं जो कल का होमवर्क था उसकी तरफ, ठीक है ना, तो इसको मैं इरेज करती हूँ, और कल जो मैं 4 क्वेश्चन आप लोगों को दी थी बनाने के लिए, आप सभी बच्चे अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिएगा। क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, अ बिग बास्केट कॉन्टेन 125 एप्पल्स। एक बिग बास्केट में, एक टोकरी में क्या था, एक बड़ी सी टोकरी में 125 क्या थे, एप्पल्स थे, है ना, तो पहले इस तरह से कॉलम बना लेते हैं हम। एप्पल्स थे, ठीक है ना, उसके बाद 94 ऑरेंजेस, और 94 क्या था, ऑरेंजेस था, ठीक है ना, संतरा थे, 94 संतरा था। उसके बाद 26 बनानास, और 26 केले थे, ठीक है ना। अब पूछ रहा है क्वेश्चन, हाउ मेनी फ्रूट्स वेयर देयर इन द बास्केट, तो अब टोटल कितने फल बास्केट में हैं, टोकरी में हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐड करना है, तीनों को जोड़ देना है,
ठीक है ना, क्वेश्चन आपका एडिशन है, ठीक है ना, एडिशन वाला वर्ड प्रॉब्लम है। 125 एप्पल्स थे, 94 ऑरेंजेस थे और 26 बनानास था, ठीक है ना। अब पूछ रहा है कि टोकरी में कुल कितने फ्रूट्स हो गए, कितने फल हो गए, तो आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। 5 + 4 = 9, 5 में हम 4 ऐड करते हैं तो 9 होता है, और 9 में आप 6 ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, जैसे कि 5 and 4 कितने हो गए, टोटल 9 हो जाते हैं, ठीक है। 9 के बाद आपको 6 ऐड करना है, तो 9 था 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 हो गया, 15 का यहाँ पे क्या लिखाएगा, 5 लिखाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, ओके। अब 2 में 9 ऐड करना है, 2 + 9 = 11, 11 में आप 2 ऐड कीजिएगा तो क्या होगा, 11, 12, 13, 13 में आप कैरी वाला 1 ऐड कीजिएगा तो क्या होगा, 14, 14 का यहाँ पे 4 लिखाएगा, 1 फिर से कैरी हो जाएगा, 1, और यहाँ पे दोनों कॉलम खाली है तो 1 ही होगा, उसके बाद कैरी वाला 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2। तो कितने टोटल फ्रूट्स हो गए, तो 245 फ्रूट्स हो गए। टोटल फ्रूट्स कितने थे बास्केट में, 245, तीनों को ऐड करने के बाद हमारा आंसर 245 फ्रूट्स आ गया, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 होगा, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4, इसी तरह पहले कॉलम बना देते हैं हम, उसके बाद नंबर्स लिखेंगे इसमें, 1, 10, 100, ओके। क्वेश्चन कह रहा है, अ ट्रक वाज लोडेड विथ 725 ब्रिक्स, एक ट्रक है जिसमें 725 ब्रिक्स है, ठीक है ना, मतलब ईंटे हैं, 725 ईंटे रखे हुए हैं उस ट्रक में, ओके। उसके बाद है, आउट ऑफ दीज 286 ब्रिक्स वेयर फाउंड ब्रोकन, 725 मतलब 725 में से 286 ब्रिक्स क्या थे, टूटे हुए निकल गए हैं। तो अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हाउ मेनी ब्रिक्स आर लेफ्ट विच आर नॉट ब्रोकन, तो अब कितने ब्रिक्स बच गए जो टूटे हुए नहीं थे, मतलब टोटल ब्रिक्स अब कितने थे जो टूटे हुए नहीं है, उनमें ब्रोकन नहीं है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है, ओके। ओके, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, माइनस कर देना है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका साइन क्या होगा, माइनस का होगा, 5 - 6 कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या करेगा, 10 प्लेस से बोरो लेगा तो ये 15 हो जाएगा, ओके। और 2 में से 1 माइनस हो गया है तो 1 हो जाएगा। अब 15 में से हम 6 माइनस कर सकते हैं, 15 में से 6 माइनस कीजिएगा तो क्या होगा, 9, ठीक है ना, 15 में से 6 माइनस करते हैं तो 9 आएगा। अब 1 में से 8 हम माइनस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो क्या करेगा, ये 100 प्लस से बोरो लेगा, तो इसमें से 1 माइनस हो गया तो ये 11 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, ओके। अब 11 में से हम 8 माइनस कर सकते हैं, 11 में से 8 माइनस कीजिएगा तो 3 बचेगा, ठीक है ना, 3 लेफ्ट रह जाएगा। और अब 100 प्लस वाला नंबर देखेंगे, 6 - 2, 6 में से 2 माइनस कीजिएगा तो 4 होगा। तो कितने ब्रिक्स बच गए जो टूटे हुए नहीं थे, जो अच्छे थे, 439 ब्रिक्स आर फाउंड वेयर नॉट ब्रोकन, है ना, मतलब 439 ब्रिक्स जो थे वो टूटे हुए नहीं थे, ईंटे टूटे हुए नहीं थे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 439। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, इसे मैं इरेज कर दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, पहले कॉलम बना देते हैं, 1, 10, 100, ओके, इस तरह से कॉलम बना दें। अब क्या है, क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, मनोज हैड 900
रुपीज, मनोज के पास 900 रुपीज थे, ठीक है ना, मतलब 900 रुपये मनोज के पास थे। ही बाउट क्लॉथ फॉर 765 रुपीज, और उसने 765 रुपीज के कपड़े खरीद लिए, ठीक है। अब पूछ रहा है क्वेश्चन, हाउ मैनी मनी इज लेफ्ट विद हिम नाउ, तब अब उसके पास कितने पैसे बच गए। तो यहाँ आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। हाउ मैनी मनी इज लेफ्ट विथ हिम नाउ, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि अब उसके पास कितने पैसे बच गए हैं, तो आपको माइनस करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या होगा, 0 - 5 कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या करेगा, 10th प्लेस से बोरो लेगा। 10th प्लेस पे भी 0 है, तो 10th प्लेस वाला नंबर 100th प्लेस से पहले बोरो लेगा, ठीक है ना। तो 9 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा, ओके, और ये 8 हो जाएगा। अब ये 10th प्लेस वाला अब 1 प्लेस वाले को बोरो दे सकता है, तो ये 10 हो जाएगा। अब इसमें से 1 माइनस हो चुका है, तो ये 9 हो जाएगा, ओके। अब हम आराम से 10 में से 5 माइनस कर सकते हैं, 10 - 5 = 5, 9 - 6 = 3, 9 में से हम 6 माइनस करेंगे तो 3 बच जाएगा, 8 - 7, 8 में से हम 7 माइनस करेंगे तो 1 लेफ्ट रह जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 135। अब क्वेश्चन नंबर 6 है और लास्ट है ये, ठीक है ना, कॉलम बना दे रही हूँ। 1, 10, 100 क्वेश्चन है यहाँ पे, सोनाली हैज 325 बुक्स, सोनाली के पास 325 बुक्स थे, ठीक है, बुक्स थी, किताबें थी। एंड हर फ्रेंड कृति हैज 287 बुक्स, और उसकी दोस्त कृति के पास 278 बुक्स थी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है, हु हैज लेस बुक, किसके पास कम किताबें हैं, एंड हाउ मैनी लेस बुक्स शी हैज़, और कितनी कम किताबें हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, माइनस कर देना है, ओके। ये क्वेश्चन आपका यानी कि सब्ट्रैक्ट वाला है, तो 5 - 7, 5 में से हम 7 माइनस नहीं कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, बोरो लेंगे 10th प्लेस से, 10th प्लेस से बोरो लेने के बाद ये 15 हो जाएगा, ओके। और 2 में से 1 माइनस हो चुका है, तो ये क्या हो जाएगा, 1, 15 - 7, अब हम 15 में से 7 माइनस कर सकते हैं, 15 में से आप 7 माइनस कीजिएगा, तो क्या कितने बचेंगे, 8 बचेंगे, ओके। 1 में से हम 8 माइनस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये क्या करेगा, 10th प्लेस से बोरो लेगा, तो ये 11 हो जाएगा, ओके। और ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम 11 में से 8 माइनस कर सकते हैं, 11 में से 8 माइनस कीजिएगा, तो कितने बच जाएंगे, 3, 2 - 2 कुछ नहीं, ठीक है ना, 0, या आप कुछ नहीं भी लिख सकते हैं, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 38, ओके। तो इस तरह से आप अपना जो होमवर्क है वो मैच कर लीजिएगा, आंसर मैच कर लीजिएगा, जिनका सही है बहुत अच्छी बात है, और जिनका मिस्टेक हो गया है तो कोई बात नहीं, वो इरेज करके इसे मैच कर लेंगे। अब हम चलते हैं आज के होमवर्क की तरफ, जो आज का होमवर्क होगा उसमें से 4 क्वेश्चन बच गया था, तो वो आज 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर देती हूँ, ठीक है। तो चलिए, आप सभी बच्चे अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। सबसे पहले तो कॉलम बना देते हैं, वंस टेंस हंड्रेड, ठीक है, इस तरह से कॉलम पहले बना दे दें। क्वेश्चन है इन आई एन इन ब्लॉक, BLOCK ब्लॉक, अ बिल्डिंग ए ऑफ ए बिल्डिंग BUILDING बिल्डिंग, देयर आर
125 families, FAMILIES families, ठीक है, ब्लॉक BLOCK के ब्लॉक B has 94 families and C has 106 families. How many families live in all three blocks? ठीक है, क्वेश्चन है आपका, इन ब्लॉक्स ए ऑफ बिल्डिंग देयर आर 125 फैमिलीज, मतलब बिल्डिंग बनी हुई है ब्लॉक करके, वन ए ब्लॉक, बी ब्लॉक और सी ब्लॉक, तीन बिल्डिंग है एक लाइन से बनी हुई है, ठीक है ना। तो ए बिल्डिंग में, मतलब ए विंग में, ए बिल्डिंग में 125 फैमिलीज रहती है, बी ब्लॉक में 94 फैमिलीज रहती है एंड सी ब्लॉक में 106 फैमिलीज रहती है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी फैमिलीज लिव इन ऑल थ्री ब्लॉक्स, तो तीनों ब्लॉक्स में टोटल कितनी फैमिलीज होगी, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ऐड कर देना है, ऐड करने के बाद यहाँ पे फिर आप क्या कीजिएगा, उसका आंसर लिख लीजिएगा, ओके। अब नंबर एट, ठीक है ना, नंबर एट इसमें मैं रेस करती हूँ, इन ब्लॉक्स ए ऑफ अ बिल्डिंग देयर आर 125 फैमिलीज, ब्लॉक बी हैज 94 फैमिलीज एंड सी हैज 106 फैमिलीज, हाउ मेनी फैमिलीज लिव इन ऑल थ्री ब्लॉक्स, ठीक है। ये मैं इरेज करती हूँ और क्वेश्चन नंबर एट देती हूँ। क्वेश्चन नंबर एट है, अ लाइब्रेरी हैज 815 बुक्स, 177 new books were given to the library, ठीक है ना। How many books does the library have now? पूछ रहा है, अ लाइब्रेरी हैज़ 815 बुक्स, ठीक है ना, एक लाइब्रेरी में 815 बुक्स थे। तो क्वेश्चन है उसके बाद 177 न्यू बुक्स वी आर गिवेन इन द लाइब्रेरी, और उसके बाद नए बुक, मतलब 177 और बुक आ गए उसमें, उस लाइब्रेरी में 177 बुक और आ गए, नए बुक आ गए। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी बुक्स डज द लाइब्रेरी हैव नाउ, तो आप टोटल कितने बुक्स हो गए, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर नाइन है, इट
एंड दी अराउंड 482 days. अराउंड 428 days अ बिल्ड अ बिग ऑफिस. मतलब यहाँ पे क्वेश्चन है कि 428 days लगता है एक बड़े से ऑफिस को बनाने में, उसके बाद 93 days टू पेंट एंड पॉलिश, और उसके बाद एक्स्ट्रा जो लगता है 93 days लगता है उसको पेंट करने में और पॉलिश करने में. हाउ मेनी डेज इट टू टू फिनिश द ऑफिस. तो टोटल डेज कितने लगे उस ऑफिस को कंप्लीट होने में, ठीक है ना. तो आपको यहाँ पे फिर से ऐड कर देना है, ठीक है. अब एक लास्ट क्वेश्चन है, वो आप लिख लीजिए और आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है. अ मेगा स्टोर STORE स्टोर सोल्ड SOLD सोल्ड 412 पैकेट्स PACKETS पैकेट्स ऑफ CHIPS चिप्स ऑन संडे, ठीक है. एंड 258 PACKETS पैकेट्स मंडे, ठीक है ना. मंडे हाउ मेनी लेस पैकेट्स वेयर सोल्ड ऑन करना है. पहले क्वेश्चन समझा दूं. अमेगा स्टोर सोल्ड 412 पैकेट्स. एक बड़ा सा स्टोर है जिसमें 412 पैकेट्स ऑफ चिप्स का बिकता है संडे को, ठीक है ना. और एंड 258 पैकेट्स ऑन मंडे. और मंडे को क्या होता है 258 पैकेट से बिकता है. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी लेस पैकेट्स वेयर सोल्ड ऑन मंडे. तो मंडे को कितने कम पैकेट्स बिके हैं, तो यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना. तो इस तरह से आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा और ऐड कर लीजिएगा, ठीक है ना. एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों हैं. तो आप लोग सभी बच्चे इसे सॉल्व कीजिएगा. सबसे पहले तो नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आप सभी नोटबुक में उतारिएगा, नोट कीजिएगा, ठीक है. और उसके बाद आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है. मैं बता दी हूँ कि आपको किस क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक है. आज के लिए बस इतना ही. मैं अपनी क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ. और स्टॉप करने से पहले आप सभी को क्या दिया जाता है, गुड मैनर टिप दिया जाता है. और आज का गुड मैनर टिप क्या है, आज का गुड मैनर टिप है यूज़ टॉयलेट डू नॉट एक्स्ट्रा
डू नॉट डिस्ट्रॉय एनी पब्लिक प्रॉपर्टीज, सॉरी बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, डू नॉट डिस्ट्रॉय एनी पब्लिक प्रॉपर्टीज। हम जब कहीं बाहर जाते हैं जैसे पार्क वगैरह में जाते हैं और भी जैसे थिएटर वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे हमें सही से रहना चाहिए, बच्चे हैं तो हमें सही से खेलना चाहिए, वहाँ पे कोई भी सामान ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसे हम बर्बाद करें, ठीक है ना। ये सभी का उस पर हक होता है और हमें सब चीज़ का ध्यान देना चाहिए। जैसे हम घर पर रहते हैं घर के सामान को सेफ रखते हैं, उसी तरह बाहर जब जाएँ तो उन सामान को भी हमें क्या करना चाहिए, उनकी हिफाजत करनी चाहिए, ठीक है ना, उनकी रक्षा करनी चाहिए, ना कि उन्हें बर्बाद करना चाहिए, ठीक है। तो आज का गुड मैनर टिप क्या है, डू नॉट डिस्ट्रॉय एनी पब्लिक प्रॉपर्टीज़। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू ऑल, गुड बाय एंड टेक केयर।